छांगा मांगा है तो इसे जेल को लादमी देखे, यही तो बची है देखने वाली, और इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अस्सलाम वालेकुम, लोग करते हैं स्टार्ट। हम गए थे अपने रिश्तेदारों के घर, तो वापसी भी अब जा रहे हैं हम अपने घर। तो राह में हमें छांगा मांगा का जंगल पड़ता है, तो हम छांगा मांगा ज़रूर होके जाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और सारा सीन देखें छांगा मांगा का कैसा है। यार बाइक चला चला के हम थक गए थे, तो इसलिए 2 मिनट आराम कर रहे हैं और जंगल में मंगल मतलब पेशाब शुभ कर ले, पेशाब शुभ कर ले, फिर हम आगे कैरी ऑन करते जाते हैं आगे। छांगा मांगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हम छांगा मांगा के जंगल में इंटर हो चुके हैं, और ये वो पटली है जिधर से ना मतलब 14 अगस्त सारे दिन या कोई ईद वगैरह हो तो उस दिन ना इस पर इस ट्रेन पर पटली मतलब ट्रेन चलती है, जिसमें बंदे लाद कर इंजॉय मतलब घुमाती फिराती है। तो आगे बाकी चीज़ें हम आपको और दिखाते हैं, जा रहे हैं उधर। बाकी ये व्यू देखे, पीछे जंगल ही जंगल, ये मतलब ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो हाथ से लगा हुआ। छांगा मांगा के जंगल में इंटर होते ही पहली जगह कोई स्लाइड वगैरह है, इधर अंदर इंटर होते हैं, देखते हैं क्या है। मुझे तो देखने तो कोई इतनी चीज़ खास नहीं लग रही, बाकी रिव्यू कराते हैं आपको, आप बताना क्या है, हमें तो आपने इतना खास बता। स्लाइड वगैरह है, पार्क है घूमने के लिए शायद, सारी पार्क ही है पूरा छांगा मांगा, स्लाइड वगैरह लगे उस साइड पर, कोई है कोई कॉफ़ी शॉप बर्गर वर्गर इधर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मैं तो इतना कोई खास नहीं लग रहा। चलो देखते हैं, मुझे इतना खास नहीं लग रहा, मैं तो इधर से वापस जा रहा हूँ। ये है हमारा छोटा टाउन, हमारा छोटा टाउन, ये छोटा टाउन, ये हमारा शेख भाई और ताज मुतला, मैं मोहम्मद इजमान, भास्कर भास्कर गोठा प्रणाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं जू में, तो जू में मेरे ख्याल से टिकट लगा रखी है, उन साथ पार्किंग भी दे रखी है, तो मैंने सर को बोला आप पैसे दाग गए, मैं जाकर बाइक स्टैंड पे लगाता हूँ, तो सर को 100 रुपया पड़ गया। सर भी है, कज़न भी है, आगे देखते हैं क्या बनता है, क्या कुछ है इस जू के अंदर, दिखाते हैं आपको। जैसा कि नाज़रीन हम इधर छांगा मांगा के अब अंदर इंटर हो चुके हैं, और ये है इधर का जू मतलब चिड़ियाघर साढ़े लफ्जा चे ते इधर। वो देखो ये है गाइस पाइड मोर, मतलब कि आखी दा मोर पंजाबी च, मतलब इन मोर कही दा, पाइड मोर है इसको बोलते हैं। ये है मोंकी, मोंकी मीन बंदर, बंदर उधर कोई खुराक वगैरह खा रहा है। चलो लगा रहे, अगली चीज़ आपको दिखाते हैं आगे क्या है। यार मैं तो ये कहता हूँ ना, इन जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए यार, इनकी भी ज़िंदगी है जैसे हमारी ज़िंदगी, हमको कोई कैद कर ले यार ना फिर हमको कितना बुरा लगता है, इसलिए यार इनकी भी ज़िंदगी, इनको कैद नहीं करना चाहिए। ये ना तो इधर चकोर हैं, ये मैं लगता है फीमेल है और वो फीमेल है, उधर चकोर हैं, इधर ये चकोर है, फीमेल फीमेल बेचारी, देखो ये बहुत कमज़ोर हुई पड़ी है,
एक चीज ना हवा में उड़ती रहो ना, उसके पर बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं बिल्कुल। तो इधर ये उड़ती नहीं है, जाल में कैद रहती है। इनके ना सब सारे पर जो ना पर जो सारे पर इनके खराब हुए पड़े हैं। प्यारी हैं यार। उधर पता नहीं दुम्बा है मेरे ख्याल से, पहली साइड पर, दूसरी साइड पर। ये आपको दिखाते हैं, हरनिया है। ये हरनिया है और वो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता उसका, बस जो भी आप देख लें। पसीना, इतनी गर्मी पड़ रही है इधर यार, गर्मी गर्मी। इधर क्या है, ये क्या है? जगेंडा। जगेंडा के गेंडा पता नहीं है यार, ये क्या है? ये कोई नई नस्ल है, हम भी नहीं जानते इसमें ये क्या है। आप बता दें क्या, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ है। टूर टूर के हमारे लाते तो थक गई हैं हम इधर, नहीं तो मतलब लत्ता थक गई हैं टूर टूर के। असि उस साइड पर जा रहे हैं जिधर झील नहीं है, उस साइड पर जा रहे हैं। तो जंगल तो हमने देख लिया, ये चिड़ियाघर, हम उस साइड पर जा रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने इस तरफ मतलब अपनी बाइक पार्क की थी जब पिछली दफ़ा आए थे, तो इस दफ़ा उन्होंने जू वालों ने 100 रुपया लिया है। तो साथ जू भी देख लिया हमने, पता नहीं हमने देखना था नहीं देखना था नहीं साथ ही। तो फिर हमने इस बहाने जू भी देख लिया और अपनी बाइक भी इधर लगा दी। इधर छांगा मांगा का सारा नक्शा है, मतलब इसके अंदर झील झूल का ये सारा नक्शा है, किधर ट्रेन चलती है, ये सारा सीन। बुरा हाल हो गया यार हमारा, तो इसलिए हम थोड़ा सा सांस ले रहे हैं। तो इधर सांस लेने के बाद फिर हम जाएंगे। गाइस जैसे आप देख सकते हैं उस साइड पर छप्पड़ है जिसमें दहसन उगाते हैं, और आपको बताते हैं और इधर क्या क्या होता है। ये खाला इधर मतलब नहर पानी आता है, नहर की बारी होती है इधर पानी लगता है। जब आए थे ना उस दफ़ा तो कुछ भी नहीं था इधर, तो इस साल ये नया सिस्टम बना है इधर झूठे छूटे के लिए, बच्चों के लिए। काफ़ी खूबसूरत है यार, बच्चों के लिए ये ना, घूमने के लिए खेलने के लिए बेस्ट है। अरे वाशरूम उधर है काले, तूने वाशरूम करना है ना? वाशरूम उधर है, वो सामने चले जा, उधर वो सामने चला जाए। भंगोड़े वगैरह वो गाड़ियाँ हैं, रेसिंग रूसिंग होती है इधर। ये झूला है, ये पता नहीं क्या है यार, हमको तो इतना पता नहीं। गाँव के रहने वाले हैं, शहरी लोग तो बेहतर जानते होंगे इनको क्या क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं। गाइस इधर ना 60 रुपए की आइसक्रीम मिल रही, तो हमारे उधर ना मतलब हमारे गांव से 30 रुपए की मिलती है, तो इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। हम अपने गांव में जाके खाएंगे, 30 रुपए बचत आए तो और क्या चाहिए। आगे पैसे नहीं है, हालात बड़े ख़राब हैं हमारे, इसलिए हमने मतलब आइसक्रीम खाने का रिजेक्ट कर दिया, पैसे बचाए। यार इधर आए थे घूमने के लिए, तो हमारा कदम इधर हमें मिल गया, बहुत ही खुशी हुई यार इसको देखकर। काफ़ी मतलब 2-3 सालों बाद मिला यार। ये झील है जिसके लिए हम आए थे इधर छांगा मांगा, ये झील ही तो मशहूर है इधर की, और क्या देखने वाली कोई चीज़ नहीं है इसके झील के अलावा। इसमें कश्ती वगैरह चलती है, तो इसके ऊपर इंटर हो रहे हैं। ये जो ये इधर पुल है ना, ये हिलता है लकड़ का सारा, इसको हिलाया ना ये जैम्पिंग करता है, सारा जैम्प करता है वगैरह करता है। काला ब्रांड कह रहा है कि मैं इस झील दे विच नहाना है, कह रहा है कि मैं इस झील दे विच नहाना है, तो मेरे दादे ने खट्टी है डूंगी गुणी है नहीं। तो काला साहब फिर उठ रहे हैं, काला साहब उठो, काला साहब हूँ उठ पै। ये झील है छांगा मांगा, बस ये झील ही है और कुछ भी नहीं है, हमें पार्क ही है सब कुछ। और ये मेरा कज़न मिल गया हमें इधर, 2-3 साल बाद मिला हमें इधर। बाबा जी ये पूरी कोशिश हो रही है पुल को हिलाने की, और ये फाइनली हिलने शुरू हो गया, ये बहुत मजबूत। ये यार हम छांगा मांगा सारा घूम घूम कर थक गए और अब वापस जा रहे हैं घर को। तो ये बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी YouTube चैनल।